नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल ग्रीन ट्रेडर में। और भैया 10 बज गए, मैं घर के बाहर हूँ, किसी काम में फंसा हुआ हूँ और शायद मैं घर 12 या 1 बजे के बाद पहुँचूँ, तो चार्ट पे तो एनालिसिस हो नहीं सकता। तो यहीं से मैं आपको थोड़ा सा कल के मार्केट के लिए जो मेरा व्यू है वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैसेज आ रखे हैं। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये और मेरे जो एनालिसिस मैं करता हूँ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के पर्पस से है। आप अगर इस बेस पे बाई और सेल करते हैं तो पहले किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिए, ठीक है। तो ये है, देखो दोस्तों, चार्ट पे भी खोल के वैसे कुछ होने वाला नहीं है, वो लंबी डंडी सीधी ऊपर की तरफ खड़ी हुई मिलेगी आपको। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मिलेगी और निफ्टी में और भी बड़ी मिलेगी। सॉरी दोस्तों, थोड़ा गाड़ियों का शोर मिल रहा होगा, दरअसल मैं ये क्या कहते हैं गुड़गांव में सेक्टर 31 के बाहर रोड पे ही हूँ, ठीक है, अंदर कहीं से निकल के। तो जो निफ्टी और बैंक ये है, इसमें अब देखो 17,500 की पुट भाई मेरी भी होल्ड है, ठीक है, मेरी भी होल्ड है। और आज मैंने 18,000 की पुट में बढ़िया प्रॉफिट बनाया है। और ये निफ्टी ऊपर जाएगा तो मैं इसको अपने पेशेंस के हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से दोबारा से 18,000 की पुट ही बाय करूँगा, ठीक है। पर जितने मुझे मैसेज आ रखे हैं, सर मेरी 17,500 की पी है, इस एक्सपायरी सेम एक्सपायरी, भाई सेम एक्सपायरी कर तो वो लॉटरी है, लगनी होगी, पुट इन कुछ कर दे तो उस हिसाब से लॉटरी लग जाएगी, उसमें एनालिसिस का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और भैया अपनी कैपिटल को आप एक ही ट्रेड में लगा दोगे तब भी कोई, मैं भाई मैंने मान लो मैंने बोल दिया कि 17,500 की पुट इतनी मिलेगी, आप अगर सारी कैपिटल उसमें लगा देते हो तो बहुत आपकी वो बेवकूफ़ी है भाई। आज 18,000 की पुट लेके कोई प्ले नहीं करना चाह रहा था, जब मैंने बोला कि भाई तुम्हारे 17,500 ही गलत होगी, 18,000 की क्यों ले। भैया निफ्टी 18,060 से 17,880 तक आया था, और जब वो 930 के ऊपर चला गया वहाँ मैंने बुक करवा दिया उस पुट को। अब दोबारा निफ्टी ऊपर जाएगा, मैं पुट ही लेके प्ले करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट बहुत ओवरबॉट है। वो नीचे 15,670 से विदाउट एनी सिग्निफिकेंट करेक्शन यहाँ पे खड़ा हुआ है आपके सामने। निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 18,199, ठीक है। और वो मर्जर की न्यूज़ ऐसी थी, अब क्या बोलें उसमें, वो इतनी बड़ी न्यूज़ बना दी गई है मार्केट के लिए जस्ट शॉर्ट काटने के लिए, अन्यथा कोई इतनी, अरे मर्जर कर रहे हो तुम उसमें, क्या ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। अब उनका वेटेज इतना है दोनों स्टॉक का, इतना बड़ा वेटेज है, खींच दिया उन्होंने 8-9% अपते दोनों के दोनों, अब उसका असर रहेगा मार्केट में एक दो दिन, कल भी जंप मिलेगा। पर मैं पुट ही लेके प्ले करना चाहूँगा और देखूंगा इंडिकेटर क्या दिखा रहे हैं, मार्केट क्या दिखा रहा है, ऊपर से फिर से शॉर्ट ही करना चाहूँगा और वो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि भैया चैनल बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे चैनल है, तो जो करूँगा बता दूंगा, ठीक है। और अब बात करते हैं थोड़ी भाई मार्केट के लिए, स्पेशली निफ्टी के लिए दोबारा से 18,000 के ऊपर आ जाना, इसको मजाक मत समझिए, ठीक है। कोई तुक नहीं बनता है इतना ऊपर आके निफ्टी में यहाँ रहने, इट इज़ जस्ट मेरे हिसाब से, इट इज़ मतलब क्या बोले इसको, बिना सर पैर की तेज़ी है ये, स्पेशली जो 17,580 के बाद से खींची गई थी। और ये डी मर्जर मर्जर की न्यूज़ ना, ये फ्राइडे को ही बड़े प्लेयर को पता थी, आपने देखा होगा निफ्टी अचानक से लास्ट के 15-20 आधे पौने घंटे में दबा के ऊपर की तरफ खींचा गया, दबा के। और आज तो उस न्यूज़ को लीक भी भाई 9:30-10 के लगभग किया गया, ताकि ये जो इतनी तेज़ी दिखाई गई है इसको जस्टिफाई किया जा सके। तो ये ऊपर लाके थोड़ा सचेत रहिएगा, मेरा तो कहना यही है। और जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जितनी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, अगर निफ्टी 19,500-19,600 तक जाता है मैं तो भैया दोबारा से बुक कर लूँगा और सीधा कैश पर बैठ जाऊँगा, जितनी भी कंपनी यूरोप सेंट्रिक बिजनेस करती हैं, इटली जर्मनी नीदरलैंड, भैया इनका प्रॉफिट नहीं होने वाला। अगर सच में इन्होंने मना कर दिया कि हम रूबल में पे नहीं करेंगे इसको रशिया को, ठीक है, बिना गैस के, बिना रशियन गैस के यूरोप का पूरा इकोनॉमिक बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगा, ठीक है। और आधे से ज़्यादा कंपनियां भैया पूरे वर्ल्ड में
यूरोप सेंट्रिक और यूएस सेंट्रिक ही हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत इधर कोरियन एंड जैपनीज सेंट्रिक हैं, बाकी अपना चाइना ही बचता है। अदरवाइज रशियन इज़ द प्लेयर ऑफ गैस एनर्जी कोल एनर्जी में, रशिया जितना बड़ा प्लेयर पूरे वर्ल्ड में नहीं है भाई एनर्जी सेक्टर में। कोल लगा लो आप, गैस लगा लो आप क्या कहते हैं क्रूड लगा लो आप, ठीक है। अगर किसी ने मना कर दिया ना हम रूबल में नहीं पे करेंगे तो पुतिन काट देगा, रोते रहना। अब कितनी अफ्रीकन कंट्री तो लाइन में खड़ी हुई हैं। तो ये सब होते हुए अगर भैया मार्केट 19,520, मैं तो भैया बुक करके अपना जितना मैंने दोबारा लगाया था पिछली करेक्शन में ये 16,015, तो वो बुक करके भी कैश पे बैठ जाऊँगा, साफ सीधी बात है, ठीक है। पर चलो वो दूर की बात है, देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। कल के लिए यही है दोस्तों, अब 18,100 के ऊपर जाएगा दोबारा से मैं शॉर्ट करने की सोचूंगा, आप लोग को वीडियो बना के बता दूंगा। 18,200-18,300 के बीच में मिलता है वहाँ तो मैं बिंदास पुट बाई करूँगा 18,000 की, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है, और अच्छी खासी क्वांटिटी में बाई करूँगा। अगर मुझे 18,250-300 के बीच में मिलता है निफ्टी, मैं बढ़िया क्वांटिटी में वहाँ पे पुट बाई करूँगा 18,000 की। 17,500 की रखी हुई है मैंने, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, रखी हुई है, लॉस में है, पर मैं 18,000 की पुट से आपको प्रॉफिट लेके दिखा दूंगा, जैसे आज लेके दिखाया है, कल भी दिखाऊंगा, परसों भी दिखाऊंगा अगर ये ऊपर जाता है तो, ठीक है। तो ये रहेगा जो मूव है, मुझे प्रॉपर वो शॉर्ट कवरिंग का मूव लग रहा है, और अगर शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आगे भी होती है तो मैं तेज़ी की तरफ नहीं उसको पुट लेके ही प्ले करने की सोचूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।